नमस्कार, आप देख रहे हैं दानी उदय की नगरी में सपो शास्त्री और आज बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 13 नवोदय नगर रोजनाबाद की, जो जिला मुख्यालय के करीब है। मैं उस चर्चा करने जा रहा हूँ उस खनन माफियाओं के ऊपर जो यहाँ पे हर सेकंड में गाड़ी गुजर रही है। आपसे बताना चाहता हूँ कि जो सूखी नदी है जो बगल में नवोदय नगर के बगल में, वहाँ पे सरकारी पट्टा हो चुका है और वो बाहुबलियों ने पट्टा करा चुका है और बोले हैं कि करोड़ों में ठेका हुआ है इसका, जो है जो खनन होने जा रहा है, खनन हो रहा है। मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कहीं भी रेत जीसीपी से नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ तो जीसीपी, हमको लग रहा है कि 3-4 जीसीपी लग रहे हुए हैं, डंपर लगभग 15-16 चल रहे हैं, ट्रैक्टर लगभग 10-20 चल रहे हैं और हर सेकंड पे यहाँ से मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ का पब्लिक का मूवमेंट बात करें तो यहाँ पे 30,000 का पॉपुलेशन है जो नवोदय नगर की बात करें तो, और इसमें से कम 25,000 का मूवमेंट हर दिन हर समय होता रहता है। और इनकी जो स्पीड है बहुत तगड़ी है, और जो ड्राइवर्स हैं ना इनके गाड़ी पर नंबर्स हैं ट्रैक्टर पे, और ना ही जो है डंपर की बात करें तो डंपर के पीछे है। और हमको लग रहा है कि रोज़ कम से कम 200 गाड़ियां तो मूवमेंट हो ही रहा है, और बहुत बड़ा हादसा का ये लोग दावत दे रहे हैं क्योंकि हर गली से इनकी गाड़ियां गुजर रही हैं। और आप बात करें तो पॉश एरिया हो चुका है क्योंकि जितने भी विद्यालय हैं सब नवोदय नगर एरिया में ही आ रहे हैं, रोशनाबाद एरिया में ही आ रहे हैं। इनकी गाड़ियां निकलती हैं हर मोड़ पे, गलियां देखा जाए कहीं ऐसा टर्न पॉइंट नहीं है जहां पे कुछ लोगो लगाया गया हो, बट कोई हाथ, कोई बताने वाला नहीं है, कोई हाथ दिखाने वाला नहीं है कि हाँ आखिर में क्या किया जाए। पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार सिर्फ पुलिस प्रशासन ही होगा और खनन का जो पट्टा दिया है वही होगा। जिस दिन बहुत बड़ा अंजाम दिया गया तो सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा हादसा होगा, क्योंकि इनका ना स्पीड लिमिट कम है और ना ही इनका तेज तरारी, क्योंकि इनकी तो आदत हो चुकी है कि कैसे भागना है, कैसे हमको कंट्रोल करना है। तो गाइस, जो भी हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखें कि आखिर में इनके ऊपर क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी अगर बात को उल्लंघन किया जा रहा है तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो आप बताएंगे। देखते रहे द न्यूज, मैं सपो शास्त्री, कैमरामैन मनीषा द्विवेदी के साथ, नमस्कार।